हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द मंथ ऑफ फरवरी इन द ईयर 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइस, दिस पेंशन स्कीम इज ओनली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि केवल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोडर्स, ब्रिक किन वर्कर्स, कॉबलर्स एटसेट्रा। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बेनिफिट 10 करोड़ वर्कर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2019 के बाद अगले 5 सालों में ये 10 करोड़ वर्कर्स को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा इससे एक्सपेक्ट किया गया है। एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हेडेड बाय संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज बरेली इन उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, एंड दिस स्कीम हैज बीन ब्रॉट अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008। इस स्कीम को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत रखा गया है। एंड द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ओके, विच इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ द CSC। एंड LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। यानी कि जो LIC होगा उसका काम होगा जब पर्सन का 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है उसको पेंशन देना। राइट, इट LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर। एंड नाउ हु आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। सो दिस स्कीम शैल अप्लाई टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हुज मंथली इनकम डज नॉट एक्सीड ₹15,000। ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनकी मंथली इनकम 15,000 से ज्यादा नहीं है और जिनकी एज है 18 से 40 के बीच में। द एज ऑफ द वर्कर शुड बी इन बिटवीन 18 to 40 एंड द वर्कर शुड हैव अ सेविंग्स बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद अ वैलिड आधार नंबर। राइट, एक उसके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक आधार नंबर। एंड हु आर नॉट एलिजिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो पर्सन्स ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल, नंबर वन। एंड नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दोज पर्सन्स हु आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, इन तीनों स्कीम में से अगर किसी भी स्कीम में अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इनरोल्ड है तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ओके, एंड ऑल्सो दोज वर्कर्स हु आर द इनकम टैक्स पेयर, ऐसे वर्कर्स जो इनकम टैक्स पेयर है वो भी इनएलिजिबल होंगे अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। गाइज, इन तीन स्कीम को का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज थ्री स्कीम्स अंडर विच देर इज एन एक्सक्लूजन ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अगर कोई पर्सन एनरोल्ड है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम या फिर एम्प्लॉयज PF स्कीम, तो उसको इनएलिजिबल रखा जाएगा फॉर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। एंड नाउ फ्रॉम द एज ऑफ 60 अ फिक्स्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज स्टार्ट्स गेटिंग पेड टिल लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि 60 साल का जैसे ही पर्सन हो जाएगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा, जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको ₹3,000 दिए जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एज। यानी कि किस एज से उसने अपनी इस स्कीम को शुरुआत करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 39 की एज से स्टार्ट करता हूं तो भी चलेगा, 18 की एज से स्टार्ट करता हूं तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 18 टू 40 की है। ओके, तो अगर मैं 19 की एज से शुरू करता हूं या मैं 39 की एज से शुरू करता हूं, डजंट मैटर, मेरे को ₹3,000 दिए जाएंगे अगर मैं 60 ईयर्स का हो गया। राइट, एंड द अमाउंट ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन एज एंड हैज टू बी पेड टिल द एज ऑफ 60। इट वेरीज बिटवीन ₹55 to ₹200। 55 इज मिनिमम, इफ समवन एनरोल एट द एज ऑफ 18 ही हैज टू पे ₹55, बट इफ समवन एनरोल्स एट द एज ऑफ 40 ही हैज टू पे ₹200। सो 55 इज द मिनिमम अमाउंट एंड 200 इज द मैक्सिमम अमाउंट। एंड दिस स्कीम इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। इसका मतलब क्या है, वॉट डज इट मीन, इट इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। मतलब ये हुआ That this is a 50-50 basis, 50-50 sharing basis वाला scheme है ये, जिसमें 50% of the amount will be paid by the subscriber and rest 50% will be borne by the government। यानी कि अगर मान लो, let us say कि अगर मैं एक subscriber हूं और मैं अपने 55 rupees contribute करता हूं, तो same amount यानी कि 55 rupees will be contributed by the government
फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ऑलराइट, सो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा मेरे अकाउंट में दैट विल बी 110. ओके, सो इट इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड द इंडिविजुअल हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट अ फिक्स्ड मंथली अमाउंट टिल द एज ऑफ 60 व्हाइल एन इक्वल अमाउंट इज पुट इनटू द अकाउंट बाय द गवर्नमेंट. यानी कि 50-50 बेसिस पे ये स्कीम वर्क करता है एंड इट इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम. एंड देर आर सम एग्जिट प्रोविजंस अंडर द स्कीम विच आर इफ अ पर्सन एग्जिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर. अगर स्कीम स्टार्ट होने के 10 साल के पहले अगर कोई पर्सन इस स्कीम से एग्जिट करता है देन दैट बेनिफिशियरी शेयर विल गेट हिज शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट. यानी कि जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्लस जो भी सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट रेट होगा वो उसको वापस मिल जाएगा. एंड अदर देन दिस इफ अ पर्सन एग्जिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर्स बट लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज. अगर उसकी एज 60 साल से कम है लेकिन उसको स्कीम में 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब वो एग्जिट कर रहा है देन उसको क्या क्या मिलेगा. बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट या फिर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट एज एक्चुअली अर्न्ड बाय द फंड. ऑलराइट, बेनिफिशियरी का जो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा वो तो मिलेगा या फिर और इसके साथ साथ सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट या फिर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट एज एक्चुअली अर्न्ड बाय द फंड. अब इनमें से जो ज्यादा होगा. राइट, सो द बेनिफिशियरी विल गेट हिज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट एज एक्चुअली अर्न्ड बाय द फंड विच एवर इज हायर इफ ही एग्जिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर्स बट लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज. And there are some rules for exit in the case of death of the subscriber. If the subscriber dies, then what are the rules? So, in the case of death during the period of contribution, अगर period of contribution के समय उसकी death हो जाती है, then his spouse shall be entitled to continue with the scheme, and the spouse can also exit the scheme by receiving the share of contribution paid by the deceased subscriber along with the interest. Okay, जो spouse होगा उसका वो कंटिन्यू कर सकता है स्कीम को, लेकिन उसकी मर्जी है वो एग्जिट भी कर सकता है बाय रिसीविंग द शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन. जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया था बाय द डिसीज्ड सब्सक्राइबर वो उसको मिल जाएगा अलोंग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. ऑलराइट, एंड इन द केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंशन, अगर पेंशन के दौरान डेथ हो जाती है तो क्या होगा, देन ऑल्सो द स्पाउस स्टार्ट्स गेटिंग फैमिली पेंशन इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट वॉज बीइंग पेड टू द इंडिविजुअल. यानी कि उसको 1500 रुपीज मिलने लग जाएंगे. इन टोटल 3000 मिलते हैं, अब कितने मिलने लग जाएंगे, 1500 स्पाउस को. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द चिल्ड्रन ऑफ द सब्सक्राइबर कैन नॉट बी नेम्ड एज नॉमिनीज. राइट, जो सब्सक्राइबर के चिल्ड्रन होंगे उनको नॉमिनीज की तरह नहीं रखा जा सकता. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्कीम. आई होप आपको सारे प्रोविजन क्लियर हैं. एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम वर्कर्स ऑफ विच सेक्टर्स आर इंक्लूडेड. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में कौन से सेक्टर्स के वर्कर को इंक्लूड किया गया है. सो अभी हमने पढ़ा दैट दिस स्कीम इज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. राइट, ऑप्शन ए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इफ एनरोल्ड इन एनी ऑफ द बिलो स्कीम्स कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम. Which of the following scheme has no impact on a person's inclusion or exclusion from the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan? So guys, this is very important question. Okay, so we have to tell that which of the following scheme has no impact on a person's inclusion or exclusion from PMSYM. So if a person is enrolled under NPS, he cannot enroll himself under PMSYM, under Employees State Insurance Corporation Scheme, under Employees Provident Fund Scheme. अगर वो इन तीनों में से किसी में भी enrolled है, then he cannot be enrolled under PMSYM. So therefore the correct answer will be what? Option D, Atal Pension Yojana. And Atal Pension Yojana is also somewhat similar to the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. But there are differences of the pension amount and other things. Which of the following is not a feature of PMSYM? So option A is it applies to only unorganized sector workers. Yes, this is a feature. People in the age group of 18 to 40 years. Yes, this is also correct. Monthly income of beneficiary should be less than 15,000 per month at the time of registration. Yes, this is also a feature. And should be an income taxpayer. No, the person should not be an income taxpayer. So therefore guys, the correct answer will be what? Option D. He should be an income taxpayer is the incorrect statement about the feature of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan.
What is the main role of LIC in Pradhan Mantri Shram Yogi Mandan? So we have discussed that LIC work as a pension fund manager and is responsible for the pension fund payout. So therefore the correct answer will be what? Option C. It is a pension fund manager and responsible for pension fund payout. And now last question. This question guys is very important. Pay attention to it. P is a hardworking student, okay, who wishes to do a government job. For the time being, he decides to work with his father who is a vegetable seller. So, P एक hardworking student है, जिसका wish है कि वो government job करे, और for the time being, job लगने से पहले वो अपने father के साथ काम करता है, जो कि एक सब्जी वाले हैं. So, as a vegetable seller, he becomes a beneficiary of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. अब as a vegetable seller, जो वो P है, वो एक beneficiary बन गया of the PMSYM. Okay, now, लेटर पी गेट्स अ गवर्नमेंट जॉब. अब पी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसका विश था वो हो गया पूरा. बट इज करेंटली इन हिज प्रोबेशन पीरियड, वो भी प्रोबेशन पीरियड में है. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो अब प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन में जो वो एनरोल्ड था उसका क्या होगा? बिकॉज नाउ ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, ही इज नो मोर एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, बट इज करेंटली इन हिज प्रोबेशन पीरियड. नाउ व्हाट विल हैपन? सो गाइज इन दिस केस पी कैन कंटिन्यू हिज मेंबरशिप इफ ही वॉन्ट्स, बट द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% विल स्टॉप. ओके, जो पी है अपनी मेंबरशिप को जारी रख सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन था 50% का, दैट विल स्टॉप. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, सो पी कैन कंटिन्यू हिज मेंबरशिप इफ ही वॉन्ट्स, इन द केस ही गेट्स अ गवर्नमेंट जॉब बट इज करंटली इन हिज प्रोबेशन पीरियड, बट द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% विल स्टॉप. राइट, सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.